लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की मेरी वीडियो फिर से स्क्वायर रूट पर एक डिफरेंट मेथड के साथ, और आज का मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो टॉपिक लिख देते हैं बोर्ड पर, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ये मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे क्वेश्चन की तरफ, बोर्ड की तरफ ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये मेथड समझ में आने वाला है। बहुत ही नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास, देखने में सुनने में इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपसे पूछेंगे कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी मैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और कुछ बेसिक बातें आपसे डिस्कस होंगी। हमने नंबर ले लिया है 4225 और हमें इसको डिवीजन मेथड से करना है। देखिए, स्क्वायर रूट का जो डिवीजन मेथड है उसका करने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ मेल खाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, बट थोड़ा सा इसका करने का स्टाइल जो है वो अलग है। तो कैसे करना है, देखिए, इस तरह से पहले हमें एक फॉर्मेट बनाना है लाइक दिस, और यहाँ पे हमें अपना नंबर लिखना है 4225 हमने लिख दिया। ये पहला काम है जो आपको करना है, और सेकंड काम आपको क्या करना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, अगर वही काम गलत हो गया तो समझो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो इस स्टेप को जरा ध्यान रखिए, आपको पीछे से पेयर के ऊपर बार लगाना है। पेयर मतलब दो दो डिजिट पे, ये दो डिजिट हुई एक बार, फिर दो डिजिट हुई एक और बार। अगर मान लो यहाँ कोई सिंगल डिजिट रह जाती रिमेनिंग पार्ट में तो उसके ऊपर भी बार आता। अभी फिलहाल तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आएगा तो आपको वो भी शेयर किया जाएगा आपके साथ। तो अब स्टार्ट करते हैं, यही मेन पार्ट था कि अगर आप पेयरिंग नहीं करते, आप ये बार नहीं लगाते, तो आगे जाकर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो बेटर है कि आपको इस स्टेप से ही स्टार्ट करना है। ध्यान से देखते हैं, आपका पहला पेयर है 42। अभी थोड़ी देर के लिए आपको 25 को भूल जाना है। मैं बहुत ही आसान तरीके से इंटरेस्टिंग मेथड आपको बता रही हूँ कि आपने थोड़ी देर के लिए पीछे का सारा भूल जाना है, सिर्फ अपना फर्स्ट ग्रुप याद रखना है और वो है 42। ठीक, अब 42 है, हमें 42 लेकर आना है, लेकिन कैसे लाना है उसका भी एक रूल है। यहाँ पर देखिए, जब लॉन्ग डिविजन मेथड करते थे तो हमारे को डिवाइजर दिया है, उसका टेबल पढ़ना है और उसके जस्ट छोटे पे रुक जाना है, या वही सेम नंबर आता है तो वैसे करना है। लेकिन यहाँ का रूल थोड़ा सा अलग है। यहाँ का रूल ये कहता है कि आपको खुद ही डिवाइजर डिसाइड करना है, और जो नंबर आपको डिसाइड करना है उसी सेम नंबर से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। दिस इज अ कंडीशन, मैंडेटरी कंडीशन है ये आपके लिए। अब आपको मेरे बोलने से वो प्लीज कुछ समझ नहीं आने वाला, मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मैं आपको क्या कह रही हूँ। हम यहाँ वर्किंग दिखाते हैं तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। आपको जैसे मैंने ये कह रही हूँ कि 3 3 9, यानी कि सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको 42 लाना है। सबसे पहला टारगेट आपका 42 है, 25 को अभी दिमाग में मत लाइए, सिर्फ 42 को फोकस करिए और सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको 42 लाना है। और अगर 42 नहीं आता तो क्या करना है वो भी अभी आपको बात बताऊंगी। जैसे मैंने स्टार्ट किया 3 3 9, ऐसी इसको आगे बढ़ते हैं 4 4 16। तो कंडीशन आपको याद रखनी है, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंट नंबर्स आप यहाँ पर नहीं ले सकते। 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49। देखिए 42 क्रॉस कर गया है, आएगी 42 से आगे बढ़ गए हम, तो दैट मींस कि आपका 42 तो नहीं आने वाला। सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके
आपका 42 नहीं आने वाला। तो अब करना क्या है, करना वही जो डिवीजन लॉन्ग डिवीजन में करते हैं कि जस्ट छोटे पे रुक जाना है। देखिए 42 से जस्ट छोटा आपका 36 ही आएगा और 25 पे मत रुक जाना क्योंकि वो जस्ट छोटा नहीं, वो बहुत छोटा हो गया। तो 49 बड़ा हो गया, तो जस्ट छोटा हो गया 36। तो आपने क्या करना है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें जब ये पता चल गया कि हमें 6 सिक्स 36 लेना है तो आपने एक 6 यहाँ लिखना है और एक 6 ऊपर लिखना है। स्टेप्स को भूलिए मत, फॉलो करिए। बिल्कुल श्योरेंस दे रही हूँ कि आपके फुल मार्क्स आएंगे, कहीं कटिंग नहीं होगी अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो 6 6 36 आपने इसके नीचे कॉपी कर देना है और फिर आपने माइनस कर देना है। 2 में से 6 जा नहीं सकते, 7 वाले से बोरो करेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6 और 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं। इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है अगला ग्रुप उतारना है आपको 25। एक बात और बता देती हूँ कि मान लीजिए आप कोई ऊपर से नेक्स्ट ग्रुप उतारते हैं और यहाँ जो नंबर आएगा अगर आपका ये नहीं जाता तो आपको जरूरत पड़ती है ग्रुप एक और साथ में उतारने की। जब दो पेयर, दो ग्रुप्स, दो जोड़े एक साथ नीचे यूज किए जाएंगे या करते हैं तो आप पहले जीरो लगाएंगे, तो वो भी बताऊंगी अगर कोई एग्जांपल ऐसा आता है मेरे पास तो जरूर बताऊंगी। सॉरी अभी फिलहाल तो ऐसा यहाँ पे कोई कंडीशन है नहीं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस करिए इससे रिलेटेड, ताकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा परफेक्ट बनेंगे। तो आपको अगर डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए और मैं उनको क्लियर करूंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो प्रैक्टिस करिए बहुत सारी। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, यहाँ पर कौन सा नंबर आने वाला है, ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। तो यहाँ जो नंबर आने वाला है वो है 6 + 6 यानी कि 12। तो ये नंबर भी एक, ये जो स्टेप है ये भी एक नया स्टेप है कि यहाँ पर जो आता है नंबर वो इन दोनों का सम होता है। तो 6 + 6 किया 12। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब एक और नई कंडीशन कि जो 12 लेना है वो वर्किंग में ले लिया, 12 के साथ आप जो भी डिजिट लिखेंगे, लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपको 625 लाना है, 12 के साथ आप जो भी डिजिट पुट करेंगे वही डिजिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये कंडीशन है क्वेश्चन की, यही मैंडेटरी कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी है। लाइक मैंने 4 लिया, 4 लिखा 12 के साथ, तो मेरी कंडीशन ये कि मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें चॉइस नहीं चलेगी। 4 4 16 का कैरी ओवर 1, 4 2 8 + 1 9, 4 1 4, तो दिस इज 496 और दिस इज मच स्मॉलर देन 625। तो हम नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं, लाइक मैंने 12 के साथ अभी 4 रखा था तो हम 5 रख कर देख लेते हैं कंडीशन क्या है। 5 रखा है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 5, आपको 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 5 5 25 का 5 यहाँ, कैरी ओवर 2, 5 2 10 + 2 12 का कैरी ओवर 1, 5 5 + 1 6, दिस इज 625 एंड विच इज इक्वली टू 625, ये इसके इक्वल आ रहा है, आगे तो जाना ही नहीं है तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिल गया। अब क्या करना है, 8 5 यहाँ लिखना है, 8 5 यहाँ लिखना है और ये हमारा माइनस किया 0, तो दैट मीन्स कि हमारा स्क्वायर रूट निकाल रहे थे हम, सिंबल आपको बताया ही है कि स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है और इसका स्क्वायर रूट आ गया 65। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा ये टॉपिक था जो हमने सीखा आपके साथ। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए, तो फिर आप प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये मेथड आपको पक्का हो जाए क्योंकि ये बहुत नया मेथड है। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं और अब जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो थोड़ा सा ऐसा लेते हैं जिसमें सिंगल डिजिट बच रही हो हमारी। लाइक हमने ले लिया 441, ठीक है।
पहला कि हमें फॉर्मेट बनाना है, स्क्वायर रूट के लिए हमें फॉर्मेट तैयार करना है, तो फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है। दूसरा हमें 441 को इसके अंदर लिखना है, लिख दिया। तीसरा स्टेप पीछे से पेयरिंग करनी है दो दो डिजिट की। अब इसमें नया क्या था, मैंने एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि अब जो हमारी एक पेयर ले लिया पीछे से ग्रुप दो का बना दिया, तो जो हमारी डिजिट बन रही बच रही है वो है सिंगल डिजिट, तो उस पर भी हमें ये बार लगाना है, क्योंकि कई बच्चे सिंगल डिजिट पे बार नहीं लगाते, वो सोचते हैं कि सिंगल डिजिट है, बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको उस पर भी बार लगाना है। तो हमारा पहला ग्रुप क्या हुआ, 4। आप यहां से देखेंगे, पीछे से नहीं आगे से स्टार्ट करेंगे, हमारा पहला ग्रुप हुआ 441 को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है 4। सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वर्किंग दिखा देते हैं यहाँ पर आपको। देखिए 2 2 4, पहली बारी में ही 4 आ गया, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें लाना था, तो वो हमारा आ गया 8 2, यहाँ लिखा जाएगा और 8 2 यहाँ लिखा जाएगा, तो ये आ गया 4, 4 में से 4 गया 0, और ये उतार लिया हमने नेक्स्ट ग्रुप 41, और इन दोनों को ऐड करना है। मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि यहाँ पर आने वाला नंबर इन दोनों का एडिशन होता है, तो 2 + 2 हमारा आ गया 4। अब आखिरी कंडीशन क्या है कि जो यहाँ पे एडिशन आया है 4, इसके साथ हम जो भी डिजिट रखेंगे उसी डिजिट से हमें मल्टीप्लाई भी करना है, तो हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 रखा तो हमारी कंडीशन क्या है कि हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 1 1 1 4 4 41, तो हमारा 41 पहली बारी में ही आ गया, क्योंकि वैल्यू हमारी 41 ही हमें चाहिए थी, तो 1 1 जाएगा इसके पास और 1 1 जाएगा हमारा इसके पास और यहाँ आ जाएगा 41। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लॉन्ग डिवीजन, और हमारा स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, आपको पहले भी बताया, और इसका स्क्वायर रूट आया 21, तो 21 का स्क्वायर बोलेंगे 441 एंड 441 का स्क्वायर रूट होता है 21। तो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा कि कैसे हम कितने इंटरेस्टिंग तरीके से हमने डिवीजन मेथड सीखा, जबकि बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बात और मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करनी थी, कि एक क्वेश्चन आता है विदाउट डूइंग डिवीजन मेथड या विदाउट डूइंग एनी मेथड फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। आपको नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है कितनी आएंगी, कोई नंबर आपको दिया जाता है और आपको कहा गया है कि आप इसका स्क्वायर रूट नहीं करेंगे और बताएंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी, तो इसका तरीका क्या है कि जितने बार्स आते हैं, अभी फिलहाल आप देखिए कि इस क्वेश्चन में 2 बार्स आ रहे हैं, तो आपके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट आएंगी। आप कोई और टॉपिक सॉरी कोई और क्वेश्चन लेके भी मैं आपको बता सकती हूँ जिसमें हम स्क्वायर रूट कर ही नहीं रहे, या तो आपको करा हुआ नजर आ रहा है तो आपको लगेगा कि ये तो किया है, मैं बिना करे भी आपको बता दूंगी कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी स्क्वायर रूट में। तो ये क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में हमें फेस करना पड़ता है कि बिना कोई मेथड अप्लाई करे आपको बताना है कि कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी, कोई नंबर गिवन है अगर हम उसका स्क्वायर रूट करें तो। सपोज मेरे पास कोई नंबर है, मैंने ऐसे ही कोई रैंडमली आपके साथ नंबर ये शेयर कर लिया है और मुझसे पूछा है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते तो कितनी डिजिट्स आती, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ बार्स लगाने हैं दो दो के, पीछे से पेयर बनाते जाना है दो दो के ऊपर, एक बार लगाना है 2 डिजिट 1 बार 2 डिजिट 1 बार 2 डिजिट 1 बार, रह गई अकेली डिजिट तो उसके ऊपर भी बार, तो ये बार्स कितने हो गए 4। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 4। तो जब इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो वहां पर आपको जो नंबर ऑफ डिजिट्स मिलेंगी वो 4 मिलेंगी। मैंने रैंडमली ये क्वेश्चन लिया, मुझे नहीं पता ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, मैंने बस आपको एक तरीका बताया कि हम कैसे नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करते हैं। तो हम कोई और क्वेश्चन भी ले सकते हैं, लाइक 625, और हमारे पास ये है
ये नंबर है और हमसे पूछा गया है एंड ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैंने सोच के लिया है, ऊपर वाला नंबर मैंने ऐसे ही ले लिया था बट ये मैंने सोच समझ के लिया है और दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और हमें पता लगाना है कि इसके अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितनी डिजिट्स आएंगी। तो हमें कोई मेथड नहीं अप्लाई करना, मेथड तो हमें पता ही है, हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, डिवीजन मेथड होता है और एक एस्टीमेशन होता है जो भी हमने आपके साथ शेयर नहीं किया। तो बिना मेथड का इस्तेमाल किए कैसे, मैंने अभी आपको बताया, दो डिजिट एक बार, दो डिजिट एक बार, दो डिजिट एक बार, दो डिजिट एक बार, सिंगल डिजिट सिंगल बार। हाउ मेनी बार्स आर देयर? 1 2 3 4 5, देयर आर 5 बार्स इन दिस नंबर, सो नंबर ऑफ डिजिट्स आर आल्सो 5 इन द क्यूब रूट, इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते या आप निकाल के देख भी सकते हो अपनी टैली करने के लिए तो वो 5 ही आएंगी डिजिट्स। तो हमने एक टॉपिक भी क्लियर कर लिया आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि डिविजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट को आसानी से हम निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ डिजिट्स का भी हम कैसे पता लगा सकते हैं बिना किसी मेथड का इस्तेमाल किए। तो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपका मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी मैथ्स में इंटरेस्ट जाग सके। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी स्क्वायर रूट के ही एक नए मेथड के साथ जिसे हम कहते हैं एस्टिमेशन। तो गुड बाय दोस्तों।